स्टूडेंट्स हम कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास नाइन्थ हिस्ट्री। सो अब हम करेंगे जब टॉपिक थर्ड इसका, तो ऑलरेडी टू टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड। तो थर्ड टॉपिक इज द फ्रांस एबोलिशेस द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। सो फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंड टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आउटब्रेक हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक हुआ मोनार्की से। 1791 में जो मोनार्की गवर्नमेंट बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, उसके बाद है जो मोनार्की है इतनी ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही, नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं रही। तो उसके बाद फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक थर्ड। सो जब फ्रांस है जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, तो उसके बाद जो किंग थे लुई 16, उन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशन करनी स्टार्ट कर दी प्रशिया के साथ। इट मीन्स के उन्होंने ये सोचा कि जो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट है उसको कैसे हम डिसमिस करके दोबारा से वहाँ पे प्रॉपर वे से है जो मोनार्की है जो इस्टेब्लिश करें कि हाँ जी मोनार्की ऐसे वर्क करेगी प्रॉपर। तो उससे रिलेटेड है जो दोबारा से जो ये सिस्टम है जो वो बनना स्टार्ट हो गया, राइट। सो उसके बाद जो किंग थे, जो अदर नेबरिंग कंट्रीज थी, राइट, अदर नेबरिंग कंट्रीज वो भी वरिड अबाउट थी, देवर वरिड अबाउट द इन्वेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्रांस। सो सभी को टेंशन थी कि अगर फ्रांस में डेमोक्रेसी आ सकती है, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की जा सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की सकती है, तो उनकी कंट्री में भी ये बातचीत है जो हो सकती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने भी जो किंग थे लुई 16 के, उनके साथ है जो संपर्क करना स्टार्ट कर दिया, उनको सहयोग कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया कि हम कैसे नेशनल असेंबली को डिसमिस करें यहाँ से फ्रांस से, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसके बाद जब ऐसी सीक्रेट नेगोशिएशन हुई तो प्रशिया ने भी अपनी जो ट्रूप्स हैं वो सेंड करने स्टार्ट कर दिए फ्रांस में, और वहाँ से भी नेशनल असेंबली गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सके। तो इसके चलते हुए 1792 में नेशनल असेंबली ने भी वॉर है जो डिक्लेयर कर दिया, किसके साथ, प्रशिया के साथ, ठीक है जी। नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया वॉर कि हम वॉर कर रहे हैं जी नेशनल उसके साथ, प्रशिया के साथ, क्योंकि प्रशिया है जो वो अटैक कर रहा है फ्रांस के ऊपर। सो इसके चलते हुए देखिए 1000 ऑफ वॉलंटियर्स हैं इसको ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं वो वर्क करते हैं इनके साथ। तो वॉर है जो स्टार्ट हो जाता है नेशनल असेंबली का प्रशिया के साथ। सो इन बिटवीन है जो देखिए क्या कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और नेशनल असेंबली नेशनल एंथम कंपोज किया जाता है, नेशनल एंथम रिटन बाय द रॉगरेट डी एसले मर्सेलिस में है जो नेशनल एंथम लिखा गया और उसको वहाँ पे संग किया गया, गाया गया। और नेशनल एंथम क्यों कंपोज किया गया, क्यों उसको वहाँ पे रिसाइट किया गया, मर्सेलिस पैलेस था जो वहाँ पे क्यों रिसाइट किया गया, क्योंकि ये ऐसा सॉन्ग था जिसमें लोगों को ये बताया जा सके कि वी आर द इंडियन पीपल्स, और इंडियन पीपल्स हैं हम, हमारा जो देश है वो एक है और एक देश के लिए हमने खुद लड़ना है, एक दूसरे के लिए सहयोग करना है, ठीक है जी। तो इसके चलते हुए है जो वॉर है जो वो स्टार्ट हो गया नेशनल असेंबली का प्रशिया के साथ। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने इसको सहयोग दिया, और ऐसे जो वॉर में थाउजेंड ऑफ पीपल हैं वो शामिल हो गए, ठीक है जी। अब इन बिटवीन जब वॉर चला, वॉर स्टार्ट हुआ, तो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट है जो वो डिसमिस होने की कगार पे थी, और वहाँ पे जो लोग थे फ्रांस के, उन्होंने सीक्रेट है जो पॉलिटिकल क्लब बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेस प्रॉस्पर लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, कम इतने ज़्यादा रिच पीपल नहीं थे, तो उन लोगों को क्या किया हुआ था, जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उनमें उनको राइट्स नहीं मिले थे, तो इसीलिए इस वजह से उन्होंने क्लब बनाने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल क्लब बने इन बिटवीन जब वॉर वगैरह हुआ और प्रशिया के साथ वॉर चल रहा था, तो इन सीक्रेट नेगोशिएशन होने के बाद, तो उस टाइम पे ही फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब बनने स्टार्ट हो गए। तो उनमें से एक बहुत फेमस क्लब था, इसका नाम था जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब मेड बाय द लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट मीन्स वो लोग जो कम हम बोल सकते हैं कि रिच नहीं थे इतने ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुअर भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं थे, उन लोगों ने ये क्लब बनाने शुरू कर दी। अब इन क्लब में वुमेन्स भी शामिल हो चुकी थी, क्योंकि
वुमेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉपुलेशन का, और जब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का बना था तो उसमें भी जो वुमेन्स थी उनको भी ये राइट्स नहीं मिले थे, ठीक है जी, कोई भी राइट नहीं मिला था उनको, भी पैसिव सिटीजन्स में ही रखा गया था। तो इस वजह से वो लोग भी हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा है जो परेशान थे, वरिड अबाउट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, तो उन्होंने भी इन पॉलिटिकल क्लब में पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लब थे, इन्होंने लोगों को एकत्र किया, इकट्ठा किया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिकल एक्शन लेने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जो उनकी स्टार्ट हो चुकी थी इन ग्रुप्स में, इन क्लब्स में, ठीक है जी। तो जो जैकोबिन क्लब्स था इसका लीडर कौन था, जैकोबिन क्लब्स का लीडर था जो, जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है जी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी है जो एक ऐसा लीडर था जिन्होंने जैकोबिन क्लब के पीपल्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और एक क्लब ऐसा प्रभावशाली, एक इफेक्टिव क्लब बनाया जिसने आगे चल के फ्रांस की है जो बागडोर अपने हाथ पे ली, फ्रांस का जो कंट्रोल है वो खुद ले लिया, ठीक है। जैकोबिन क्लब्स ने, अब जैकोबिन क्लब्स थे बिल्कुल वो नॉबल पीपल के उलट चलते थे, उनसे बिल्कुल ऑपोजिट चलते थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं उन्होंने शो किए अपने फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, कि कैसे हमने इंडिपेंडेंस लेनी है, कैसे आज़ादी लेनी है, कैसे अच्छी गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करनी है फ्रांस में, राइट। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, देखिए अब उन्होंने जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे, जैकोबिन क्लब्स वियर लॉन्ग स्लीव ट्राउजर, ठीक है जी, लॉन्ग स्लीव ट्राउजर है जो वो उन्होंने है जो पहननी स्टार्ट कर दी। अब जो नॉबल पीपल थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, इट मीन्स नी के नीचे थोड़ा सा है जो डाउन वो ट्राउजर पहनते थे जिनको नी ब्रीचेस बोला जाता था, तो उनके ऑपोजिट उन्होंने लॉन्ग ट्राउजर है जो पहननी शुरू कर दी। उसके अलावा उन्होंने एक रेड हैट है जो वो भी पहननी शुरू की, रेड हैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, ठीक है। रेड हैट क्या है जी, रेड हैट है जो वो सिंबल था लिबर्टी का, ठीक है जी, वो उन्होंने पहननी शुरू कर दी, लॉन्ग स्लीव्स पहननी शुरू कर दी, जिससे उनमें उन्होंने लोगों को ये मैसेज दिया कि हम उनसे ऑपोजिट हैं, किससे, नॉबल से हम ऑपोजिट हैं और उनके अगेंस्ट चलते हैं हम, और उनको जो है हम कोऑपरेट नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट चल के, उनके ऑपोजिट चल के हम गवर्नमेंट है जो इस्टेब्लिश करेंगे, फ्रांस में रिपब्लिक है जो वो इस्टेब्लिश हमने करना है, ठीक है जी। तो ऐसे चलते हुए क्या किया उन्होंने जी, पूरी जो फैमिली थी किंग की उसको उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी। और उसके बाद है जो कुछ टाइम बाद है उसको किंग को है जो एग्जीक्यूट कर दिया गया, लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया, उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनी उनको भी एग्जीक्यूट कर दिया, और फैमिली है जो अदर मेंबर हैं उनको उन्होंने प्रिजनर बना लिया। इट मीन्स के ऐसे उन्होंने धीरे धीरे है जो फ्रांस से क्या किया, फ्रांस से जो मोनार्की को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और वहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट है जो वो बनाई, फ्रांस को रिपब्लिक बनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, जिसमें उन्होंने 21 ईयर्स की एज के पर्सन को क्या दिया, राइट टू वोट दिया, ठीक है जी। 21 ईयर्स के पर्सन जो भी, जिसकी भी एज 21 ईयर्स की हो जाती है उसको क्या मिल जाएगा, राइट टू वोट मिल जाएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने का सभी को प्रॉमिस किया और सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली भी इसकी एज 21। वहाँ पे क्या था, जब उन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी थी, उसमें क्या था 25 ईयर के जो पर्सन हैं उनको ही राइट टू वोट मिलेगा, और जो अपना वेज है वो डिपॉजिट करवाएंगे 3 डेज का वेजेस, तभी वो एक्टिव सिटीजन बनेंगे, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, जो भी पार्टिसिपेशन हो रही है वोटिंग की या इलेक्टिंग गवर्नमेंट की उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है जी। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने 21 है जो एज रखी हर एक पर्सन की जो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, वोट दे सकता है, राइट टू वोट है जो, वोट का यूज है जो वो कर सकता है, ठीक है जी। तो ऐसे चलते हुए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था कन्वेंशन, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट मेड बाय द जैकोबिन्स कॉल्ड कन्वेंशन, ठीक है जी। नेशनल असेंबली गवर्नमेंट है जो नेशनल असेंबली ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब इन्होंने कौन सी गवर्नमेंट बनाई है, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है कन्वेंशन, जिसका नेम है कन्वेंशन, ठीक है जी। तो ऐसे है जो वहां पे रिपब्लिक आया, यानी फ्रांस में मोनार्की खत्म होने के बाद रिपब्लिक आ गया, इट मीन्स जहाँ पे सभी लोगों को राइट टू वोट मिला, इट मीन्स जो उनका हेड था वो कैसे इलेक्ट किया जा रहा था, वोटिंग के थ्रू हेड इलेक्ट किया जा रहा था, इसीलिए उसको
रिपब्लिक बोला गया, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, ठीक है जी। तो ऐसे है जो वहां पे रिपब्लिक है जो इस्टेब्लिश हुई, रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई फ्रांस से, फ्रांस में नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट के बाद, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम देखिए बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, आपने सीरीज के अकॉर्डिंग ही समझना है चैप्टर को। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कैसे फ्रांस सोसाइटी थी और कैसे उन्होंने टैक्स इंक्रीज किए, और बाद में सेकंड टॉपिक में क्यों रेवोल्यूशन, कैसे रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, और रेवोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट बनी नेशनल असेंबली की, और नेशनल असेंबली भी फेल हो गई क्योंकि वॉर हो चुका था रशियन प्रशिया के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ, और उस इन बिटवीन है जो जैकोबिन क्लब ने आगे आके गवर्नमेंट बनाई और रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई फ्रांस में 1792 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि न्यूली गवर्नमेंट बनी जिसका नाम था कन्वेंशन, क्लियर है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसका आ जाता है 3.1, राइन ऑफ टेरर। राइन ऑफ टेरर मीन्स अब ये रूल है जो चला फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट का, और उसी रिपब्लिक गवर्नमेंट के टाइम में एक पीरियड आया जिसको राइन ऑफ टेरर बोला गया, यानी कि आतंक का समा है वहां पे आया फ्रांस में 1792 और 1793 से 1794 में, ये पीरियड हम क्या बोलते हैं, राइन ऑफ टेरर 1793 to 1794, ठीक है जी। और राइन ऑफ टेरर क्या है, ठीक है जी। अब देखिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कौन था जी, ही वाज़ द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब, और वो लीडर बना न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसका नाम था कन्वेंशन, उसका लीडर बना, यानी कि जो अब कंट्री का जो मेन लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया, जब उसके पास रूलिंग आई फ्रांस की तो उसने क्या किया, एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था डॉक्टर गुलेटाइन, ठीक है जी। डॉक्टर गुलेटाइन क्या था जी, डॉक्टर गुलेटाइन मीन्स जो भी नोबल थे, जो भी किंग को सपोर्ट करते थे, ठीक है, जो भी उसकी गवर्नमेंट में विद्रोह करते थे या प्रोटेस्ट करते थे उसके अगेंस्ट, वो उनको डॉक्टर गुलेटाइन कर देता था, गुलेटाइन कर देता था। गुलेटाइन क्या था जी, ऐसे दो ऐसे पिलर हैं जी, बीच में एक ब्लेड लगा हुआ है जी, ठीक है जी। यहाँ पे एक पर्सन की नेक रखी, उसको बी हेड कर दिया जाता था, यानी कि उसकी गर्दन है जो वो काट दी जाती थी, उसको जो नेक है उसकी उसकी बॉडी से अलग कर दी जाती थी, दैट इज़ अ डॉक्टर गुलेटाइन। इट मीन्स ट्रीटमेंट देता था वो उनको, कैसे ट्रीटमेंट देता था कि उसके जो रूलिंग है उसके राज्य में अगर कोई उसका विरोध करेगा, ठीक है जी, तो उसके साथ क्या किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर गुलेटाइन। तो ऐसे उसने बहुत सारे पर्सन हैं जो जो उसके रूलिंग उसके सपोर्टर, इवन उसके जो सपोर्टर बाद में जाके उसके अगेंस्ट हुए थे उनको भी उसने गुलेटाइन कर दिया, और नॉबल पीपल थे उनको भी उन्होंने काफ़ी लोगों को गुलेटाइन किया, यानी कि बीहेड कर दिया। तो उसके बाद उसने क्या सिस्टम स्टार्ट किया, उसने सभी सिस्टम को राशन कर दिया कि जो भी पीजेंट होंगे फार्मर होंगे वो फिक्स प्राइस के ऊपर है जो अपनी क्रॉप्स को सेल करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है जी, उनको कोई ऐसे उनमें कंपटीशन नहीं हुआ, एक सेम रेट होगा सभी का। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे पीजेंट फार्मर हैं जो उसके अगेंस्ट हो गए। फिर उसने क्या किया, बहुत सारे जो चर्च थे उनको बिल्डिंग ऑफिस बना दिया, चर्च को एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो उनकी बिल्डिंग्स थी नोबल की उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बना दिया, टाइम बना दिया। तो ऐसे उसने सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि फ्रांस में चारों तरफ हाहाकार हो गई, यानी कि वायलेंस डिस सोशल ऑर्डर है जो वो पूरी तरह से वायलेट हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है जी। लोग हैं जो डिसअपॉइंटेड हो गए, बहुत ज़्यादा वरीड हो गए इनके रूल से, लोग बहुत तंग हो गए क्योंकि उनकी रूलिंग बहुत स्ट्रिक्ट रूल उसने बना दिए थे, जो भी उनको फॉलो नहीं करता था तो उसको क्या करता था, वो बीहेड कर देता था, ग्रोटाइन वाला सिस्टम है जो वो दे देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ जी, बहुत सारे जो उसके सपोर्टर थे और फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसके अगेंस्ट होती गई, और अगेंस्ट होने के बाद सभी ने उसका विरोध किया, और बाद में उसको खुद को ही उसके जो पार्टी मेंबर थे उन्होंने अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद है जो उसको भी गुलेटाइन कर दिया गया। इट मीन्स ये जो रूलिंग था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का वो 1794 में ख़त्म हो गया, ठीक है जी, क्योंकि उसके रूलिंग में फ्रांस का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो चुका था पूरी तरह से। एक तरफ से तो फ्रांस के लोग पहले बहुत खुश हुए थे
कि फ्रांस अब रिपब्लिक बन चुका है, सभी की बात सुनी जाएगी, बट उसकी रूलिंग ऐसी थी कि उसने एक तरह से किंग से भी है जो क्रूअल है वो अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में उसको भी गिलोटिन कर दिया गया। ठीक है जी, तो इस पीरियड को जो चला मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, उसको क्या बोला जाता है, राइन ऑफ टेरर। ठीक है, जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट का रूलिंग है, उसको क्या बोला जाता है, राइन ऑफ टेरर। क्लियर एवरीबॉडी? अब राइन ऑफ टेरर के बाद जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का रूल खत्म हुआ तो क्या हुआ जी, दोबारा से डायरेक्टरी रूल आया, डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, 1794 में के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी रूल है जो इस्टेब्लिश किया गया। अब डायरेक्टरी रूल क्या है, व्हाट इज डायरेक्टरी रूल? डायरेक्टरी रूल मींस अब यहाँ पे ये रखा गया कि अब लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने लुई 16 का रूल भी देख लिया था, नेशनल असेंबली का भी रूल देख लिया था, और बाद में उन्होंने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का भी देख लिया था। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब फ्रांस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा, कलेक्टिव होगा, यानी कि कोई भी एक पर्सन नहीं अब रूलिंग करेगा, अब क्या होगा ये कलेक्टिव वे से कुछ एक ग्रुप है जो वो रूलिंग करेगा फ्रांस के ऊपर। तो डायरेक्टरी रूल्स में क्या होता था, डायरेक्टरी रूल में 5 मेंबर हैं जो वो हैं जो इलेक्ट किए जाते थे। ठीक है जी, 5 मेंबर इलेक्ट होंगे, उनको चुना जाएगा, 5 मेंबर इलेक्ट होने के बाद वो क्या करेंगे जी, फ्रांस के ऊपर रूलिंग करेंगे 5 मेंबर। ठीक है जी, अब 5 मेंबर, एक तो वन मैन आर्मी नहीं होगा, सभी की राय ली जाएगी, सभी की जो एडवाइस होगी, सभी कोई भी डिसीजन एक बंदा नहीं ले पाएगा, सभी कलेक्टिवली वे से डिसीजन लेंगे, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, डिस्कशन ज़्यादा होगा, लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे। ठीक है जी, और कोई भी मनमर्जी नहीं करेगा, बट ये भी फ्रांस में फेल हो गया। ठीक है जी, ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि जो 5 मेंबर थे उनमें आपस में कॉन्ट्रोवर्सी चलती थी, उनमें कोई भी किसी भी इशू को लेके सहमति नहीं बनती थी, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से क्या हो गया जी, फ्रांस में इंस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, अस्थिरता वाला माहौल हो गया, कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास उनकी जो आपस के जो मत थे, आपस के व्यूज़ थे, वही नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कोई डिसीजन प्रॉपर हो ही नहीं पाता था। तो इस रूल ने क्या कर दिया, इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी फ्रांस में। तो कुछ टाइम के बाद ये भी फेल हो गया फ्रांस में, डायरेक्टरी रूल भी प्रॉपर वे से हम कह सकते हैं पूरी तरह से फेल हुआ फ्रांस में। और उसके बाद है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने दोबारा से फ्रांस दोबारा मतलब ये रूल है जो किंग का स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसने फिर क्रोन किया फ्रांस को 1804 में, और वो है जो दोबारा से किंग बना फ्रांस का। ठीक है जी, और उसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए, वो हमारे पास टॉपिक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक इतना ही था हमारा कि डायरेक्टरी रूल तक हमने ये टॉपिक है जो कंप्लीट कर लिया कि डायरेक्टरी रूल क्या था, 5 मेंबर्स की कलेक्टिव बॉडी थी एक, जिन्होंने फ्रांस के ऊपर रूलिंग है जो की थी, बट वो भी फेल हो चुकी थी क्योंकि इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, स्थिरता नहीं थी उनके वर्क में। ठीक है जी, तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है जो कैसे फ्रांस रिपब्लिक बना, और उसके बाद राइन ऑफ टेरर क्या था ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और डायरेक्टरी रूल है क्या है वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।